परिवार की जिम्मेदारी सर पर हो तो बेटियां भी नहीं रहती पीछे। मां 12 साल की बेटी बटा रही है अपने पिता का हाथ। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जंगली सुअरों और वन्य प्राणियों के कारण हर साल तबाह होती है हजारों हेक्टेयर फसलें। किसानों के आत्मनिर्भर बनने पर पानी फेर रहे हैं जंगली सुअर। और बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ की मांग हुई पूरी, जल्द बनेगा बालाघाट जिले में भी हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ का मैदान। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में रखे विचार। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूवेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे सक्सेसफुल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@77002901। बालाघाट के वाराणसी से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेटी ने अपने भाई की तबीयत खराब होने के कारण पिता के साथ काम में हाथ बटाते हुए खुद ही बैलगाड़ी की कमान अपने हाथों में थामकर बैलगाड़ी में रेत भरकर ले जाती हुई नजर आई। हर दिन पिता के साथ उसका बड़ा भाई जाता था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पिता अकेले उस काम को कैसे करते। इसलिए रेशमा ने पिता को भाई की कमी महसूस न हो तो खुद ही काम में हाथ बटाते हुए बैलगाड़ी का कासरा थाम लिया। वही लॉकडाउन में रोजी रोटी नहीं मिलने के कारण रेशमा के पिताजी नदी से रेत लाकर बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है और अपने परिवार के लिए जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। अभी तो रेत वाला काम चालू है। रेती और खेती के साथ भी है आपकी? हाँ। तो अभी मैंने देखा आपके साथ आपकी बेटियां हाथ बटा रही है, हमेशा आपके साथ देती बेटी? हाँ जी हाँ। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बेटी का सहारा लेना पड़ा? लड़के की जरा तबीयत खराब है जी, तो लड़की आपकी करने लगती है। अच्छा, लड़की को हमने देखा, उसको गाड़ा चलाना भी आता है। हाँ जी, दोनों ये सब चीज में आपने उसको ट्रेंड किया है। हाँ। गर्व होता आपको बेटियां होने पर आज? हाँ जी। जब परिवार की जिम्मेदारी सर पर आए तो बेटियां कहां पीछे रहती है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना बखूबी जानती है। ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। जी हां, वाराणसी से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां एक बेटी अपने पिता का बोझ कम करते हुए खुद ही बैलगाड़ी का कासरा थामकर नदी से रेत भरकर ले जाती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन के चलते लोगों का रोजगार छिन गया, वही अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी के चलते लॉकडाउन के बाद अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज रेशमा के पिता और उसका भाई बैलगाड़ी में नदी से रेत भर कर लाते हैं और उसे बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है और 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। क्या क्या काम कर लेती है और बेटियां? काम जैसे परे पानी में जाते हैं तो बर्तन वर्तन पानी वानी पूरा काम करके रखती है। लड़की खेत में भी जाकर के आपको हेल्प मदद करवाती है? अभी तो नहीं आई जी, छुट्टी में आती है कभी कभार, नहीं तो स्कूल जाती। पर कर लेती है खेत का भी काम? हाँ। वो गाड़ा भी चला लेती है, खेती का भी काम कर लेती, घर पे भी आपका हाथ बटाती है। कितना गर्व महसूस होता आपको बेटी होने पे? और पढ़ाई लिखाई कैसे करती है? पढ़ाई में भी टाइम निकाल लेती है, अभी ऐसे बीच में खेल रहती है तो वो बाजू वाली हमें ननद लगती है, उन्हें बोले खेलने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, बोले तो ट्यूशन भी चली जाती है। चली जाती है। आगे उसको और पढ़ाना चाहेंगे? हाँ, पढ़ाएंगे जी। महज 12 साल की रेशमा वाराणसी के टिहलीबाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के कारण वह अपने पापा का हाथ बटा रही है। रेशमा ने बताया कि उसका भाई उसके पिता के कामों में हाथ बटाया करता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह अभी नहीं जा रहा है, जिस कारण रेशमा ने भाई की तरह अपने पिता की मदद की। भाई की तबीयत खराब होने के कारण उसे लगा कि उसके पिता अकेले परेशान हो जाएंगे, इसलिए रेशमा ने अपने पिता का हाथ बटाते हुए भाई की जगह खुद ली और पिता के साथ बैलगाड़ी का कासरा थाम लिया। रेशमा पढ़ाई में तो अव्वल है ही, साथ ही वह अपने घरों के कामों में अपनी माँ का भी पूरी तरह हाथ बटाती है और उसका सपना है कि वह पढ़ाई करके बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? टिहलीबाई स्कूल। कौन सी क्लास में? क्लास 7। 7 के। कितनी उम्र है अभी आपकी? 12 साल की। 12 साल की। अभी मैंने देखा कि आप जो बैलगाड़ा चला रहे हो,
क्यों? अभी बीच में मेरा भाई जब तक मेरे पापा के साथ हाथ बटाता था, अब उसकी बीच में तबीयत खराब हो गई तो फिर मैं पापा का हाथ बटाती हूँ। अच्छा, आप पापा का साथ दे रहे हैं, है ना? तो इससे आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है? नहीं होती है। आप घर में मम्मी का भी ऐसे हाथ बटाते हैं? हाँ। क्या क्या काम करते हैं मम्मी के साथ? मम्मी के साथ कभी कभार बर्तन मार देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और पापा के साथ? पापा के साथ ये गाड़ा बल से रेत लाते हैं। रेत लाते हो? तो गाड़ा चलाना किसने सिखाया आपको? पापा ने सिखाया। तो आप पापा का हाथ बटा रहे हैं और पढ़ाई भी करते, फिर पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? पहले पापा के साथ शाम के टाइम में मैं पापा के साथ चले जाती थी उधर, फिर थोड़ी देर आती थी, फिर घर में फिर मम्मी के साथ काम करती थी, फिर उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेती। वनों से घिरे बालाघाट जिले के अनेकों क्षेत्रों में जंगली सुअरों और वन्य प्राणियों के द्वारा खेतों में घुसकर फसलों की तबाही किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रही है। हजारों किसानों को कई वर्षों से जंगली जानवरों के कहर से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। आलम यह है कि कई किसान तो अपनी खेती छोड़कर पलायन को मजबूर हो जाते हैं। खासकर गन्ना उत्पादन करने वाले किसान जंगली सुअरों के कारण फसल की बर्बादी से जान माल का नुकसान उठा रहे हैं और वर्षों पुरानी वन्य प्राणियों की यह आफत किसानों के लिए बढ़ते जा रही है। हर वर्ष मेहनत कश किसान धरती का सीना चीर कर सपने संजोए बड़ी उम्मीद से खेती करता है, लेकिन जिले के हजारों एकड़ खेतों पर जंगली सुअर के झुंड और वन्य प्राणियों के द्वारा फसलों को चट करने के साथ फसलों को तबाह कर दिया जाता है। किसानों की माने तो हजारों लाखों के नुकसान के एवज में उन्हें जो मुआवजा बड़े मुश्किल से नसीब होता है, वो भी ऊंट के मुँह में जीरा के बराबर है। बालाघाट के लांजी, बिरसा, बैहर, खैरलांजी, कटंगी समेत कई क्षेत्र हैं जहां के किसान वन्य प्राणियों की तबाही के कारण कई सालों से प्रयास के बावजूद भी आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। सर जी, ये तो सब सुअरों के कारण सब आदमी तरफ परेशान हो गए। ये कुछ ये हो जाता तो अच्छा हो जाता सरकार की तरफ से हमको भी। अच्छा, तो कुछ फायदा मिलता है सरकार से? कुछ नहीं मिलता अभी तो। तो ये हर साल ऐसी नुकसान करती है जंगल? हर साल अभी देखो ना, अभी दो दो खोटे हुए ऐसे हाल है, अभी बड़े हो जाएंगे क्या हाल होगा। अच्छा, तो ये लगातार आते जाते हैं क्या? हाँ, हर समय। अभी भी वो भागे नहीं, अभी भी इधर कहीं ना कहीं होंगे खेत। अच्छा, तो किसी के नुकसान कर रहे होंगे ऐसा। अच्छा, तो बाड़ी में पड़े रहते हैं ना? हाँ, बाड़ी में पड़े। तो इसके वन विभाग को आप सूचना नहीं देते इस बारे में? देते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं, अभी क्या करें। अभी हमारे खेत में सुअर आने की वजह से भारी नुकसान में आ गए हैं। इसके बाद में जो भी फसल है इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कब से ऐसी समस्या आ रही जंगली सुअर वाली? ये जंगली सुअर जब से गन्ना बाड़े लगाते हैं तब से यही हाल है। हर साल का बिल्कुल यही हर साल यही परेशानी होती है। बालाघाट जिले के तमाम क्षेत्रों में खासकर जंगली सुअरों की आबादी बेहताशा बढ़ती जा रही है, जिनकी बढ़ती आबादी के साथ ही किसानों के खेतों में फसलों की तबाही भी बढ़ती जा रही है। वही फसलों को बचाने के अनेकों प्रयास असफल ही साबित हो रहे हैं। विधानसभा और आम चुनाव में भी किसानों की इस परेशानी का मुद्दा प्रमुख होता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही साबित हुआ है। वन्य प्राणियों से बर्बादी की समस्या कई गुना बढ़ी, लेकिन प्रयास कुछ भी नहीं हो पाए। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी किसानों के इस आफत से भारी आक्रोश में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर किसान कैसे बनेगा? कटंगी में हजारों हेक्टेयर जमीन को सुअर और हिरणों ने चौपट कर दिया। अब जब किसान का फसल नष्ट होगा तो बाहर काम आने जाएगा, पलायन करेगा, तो उधर भी उनको काम नहीं मिलते। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो कैसे बने? उनके लिए सुव्यवस्थित करे भाई, उनकी जानवर हमारे खेतों में ना आए, जंगली जानवर खेतों में ना आए, जंगल में उनकी चारे की व्यवस्था करे। करना चाहिए ना, जंगल में चारे की व्यवस्था करना चाहिए। फेंसिंग की व्यवस्था करे, फेंसिंग लगा दे, सागौन झाड़ लगाने के बजाय चारा लगाना चाहिए जानवरों के लिए। वो नहीं कर रहे हैं। सुअर का आतंक बहुत ज्यादा है, हिरण का आतंक भी बहुत ज्यादा है। जाकर के देखे, कलेक्टर देखे, एसपी देखे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जाकर के वहां किसानों की हालत को जाने। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो उनके खेतों के आसपास फेंसिंग तार की व्यवस्था कराएं समूचे बालाघाट में किसानों के लिए, और ये व्यवस्था आप करें। और नहीं तो किसान एक दिन आपके आत्मनिर्भर के चलते उसका कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और वो पलायन कर जाएगा। आप आत्मनिर्भर की राग अलापते रहेंगे। पूरा लांजी क्षेत्र वन ग्राम क्षेत्र आता है,
और आए दिन किसानों की बहुत सी क्षति थी, धान की फसल है, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल है। ये वन्य प्राणी जैसे सुअर है, ये सांवर है, अन्य जंगली पशुओं के द्वारा किसानों का बहुत नुकसान होता है, जिससे कृषक बहुत परेशान है। लगभग कितने का ऐसे गांव होंगे जो इस क्षेत्र में प्रभावित होते हैं? सर यहाँ तो 78 पंचायतें हैं, जिसमें लगभग 30-40% गांव ऐसे हैं जो ये इन चीज़ों से परेशान हैं। जैसे बगदी है, सर्रा सतोना है, बेलगांव है, रीसेवाड़ा है, लोहारा है, सावरी कला है, बमनवाड़ा है, बड़गांव है, मिरिया बुथली है, टीकापार है, ऐसे बहुत से गांव हैं साहब। मैंने बोला ये हर समय प्रभावित रहते हैं वन्य प्राणियों से। मैंने तो किसानों की समस्या रखा है, वन विभाग से भी रखा था, प्रशासन से भी रखा था जी, और वन विभाग के अमले के माध्यम से जांच भी हुई थी। मेरे घर के पास में एक महिला को वन्य प्राणी सुअर ने हमला कर दिया था, उसका केस भी बना था, शायद 22-23 हज़ार रुपये उस महिला को मिला भी है। आए दिन ऐसे बहुत से हमले होते हैं जो किसान परेशान रहता है। दो नेशनल पार्क और जंगलों से बालाघाट जिला घिरा हुआ है, ऐसे में ग्रामीण किसानों के लिए वन्य प्राणी और खासकर जंगली सुअर वर्षों से तबाही के कारण बने हुए हैं। किसानों के दर्द को अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, पर किसानों की फसल की बर्बादी और जानमाल के नुकसान को रोकने जमीनी स्तर पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इधर साल दर साल वन्य प्राणियों और जंगली सुअरों की बढ़ती बेहताशा आबादी के साथ किसानों की बर्बादी भी बढ़ रही है। आलम यह है कि बालाघाट के किसानों के आत्मनिर्भर बनने पर सवाल उठ रहे हैं। जी ये आप सही कह रहे हैं कि मुआवजे को लेकर संतुष्ट नहीं है वो लोग, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी आप लोग जान लें। इसमें मुआवजे का प्रावधान देने का अधिकार शासन ने राजस्व विभाग को दिया है। वन विभाग सिर्फ ये परीक्षण करता है कि नुकसान वन्य प्राणी के द्वारा किया गया है, इसलिए विभाग के द्वारा मुआवजा का यानी वो लेना, एक प्रकार से विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को प्रचार प्रसारित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किसान ये जानता है कि चूंकि वन्य प्राणी ने हमारी फसल नुकसान की है तो वन विभाग उसका नुकसान देगा, ये राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। उन्हें संबंधित पटवारी को आवेदित करने के उपरांत ही उनका प्रकरण बनता है, और जो प्रावधान है प्रावधान के अनुरूप जो राशि रहती है उससे उनको प्रावधान राशि प्राप्त होती है। ये जरूर है कि हमारा जो क्षेत्र है पूरा दो टाइगर रिजर्व के बीच में है, पेंस टाइगर रिजर्व सिवनी में प्लस जो कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में और बालाघाट में भी उसका भाग है, तो हमारे बहुतायत में जो किसान वाले क्षेत्र हैं, आबादी वाले क्षेत्र हैं, भूमि कृषि भूमि वाले क्षेत्र हैं, ये वन्य प्राणियों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनके द्वारा जंगली पशु जंगली वन्य प्राणी यानी वन्य प्राणियों द्वारा मवेशियों को और जनहानि भी काफ़ी की जा रही है, और स्वाभाविक रूप से फसलों का भी नुकसान किया जा रहा है। तो इसमें जो मुआवजा निर्धारण राजस्व वाला होता है उसी के कारण थोड़ा सा जो प्रक्रिया है उसमें उससे किसान लोग असंतुष्ट हैं, उनको पर्याप्त समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ की मांग पूरी होने के बाद जहां एक ओर खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, तो वही हॉकी खिलाड़ी भी आने वाले समय में एस्ट्रोटर्फ मैदान पर हॉकी खेलने को लेकर उत्साहित हो उठे हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने एस्ट्रोटर्फ की सौगात को लेकर मीडिया से कहा कि सबके सहयोग और प्रयास का नतीजा है कि आज हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ में परिवर्तित करने की मांग पूरी हुई है। उन्होंने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी इस मांग को रखा था, जिसका परिणाम है कि आज सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से यह सौगात यहां पर मिली है। उन्होंने पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, गौरीशंकर बिसेन और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के प्रयासों की भी सराहना की है। यहाँ पर टर्फ लगे और टर्फ के मैदान में जो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएँ हॉकी की होती हैं हर वर्ष, वो टर्फ के मैदान पर हो, क्योंकि सिवनी जैसा ज़िला जहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिताएँ नहीं होती, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहाँ इतने बड़े स्तर पर की हॉकी नहीं होती, ऐसे आयोजन टर्फ के मैदान में हों इसकी मंशा और इसकी अपेक्षा सारे नगरवासियों को, ज़िलेवासियों को और समस्त खेल प्रेमियों को थी। उसमें
तमाम जनप्रतिनिधियों का भी समय समय पर सहयोग रहा। जैसे पेड़ से अगर गिनती करना है जेड तक पहुंचने में बहुत सारी सीढ़ी गुजरना पड़ता है, अचानक से कोई चीज़ नहीं हो जाती, तो हर दल के लोगों ने, हर दल के जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जो भी मांग उठाई हम लोगों ने, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने, उसको चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हों, चाहे ज़मीन ट्रांसफ़र करने की बात हो, चाहे वहाँ ऊपर पेपर में उसको आगे पहुँचाने की बात हो, सभी लोगों का योगदान रहा उसमें। सारे लोगों ने अपने अपने समय में प्रयास किए। अभी वर्तमान समय में जब कांग्रेस सरकार थी तो प्रदीप जायसवाल और हिना कांवरे जी ने भी उसके लिए गंभीर प्रयास किया, और वो एक ऐसा चरण जो कि आ गया था जब उसको पका पकाया एक किस्म का पूरी तैयारी फाइलों की हो गई थी, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने जितने प्रयास किए, वो सारे लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे गौरी बाबू और भी हमारे जनप्रतिनिधि जिले के, उसमें सब इन्वॉल्व रहे। हर किसी की इच्छा थी कि यहाँ एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए, और आखिरकार वो घड़ी आ गई, एस्ट्रोटर्फ की जो मांग थी वो पूरी हुई। और मुझे लगता है कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के महासचिव विजय वर्मा ने कहा कि विगत 15 वर्षों से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान के रूप में बदलने के लिए सतत प्रयासरत था। समय समय पर क्लब के अध्यक्षों के माध्यम से जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज वह प्रयास साकार होता दिखाई दे रहा है। खासकर तत्कालीन मंत्री श्री गौरीशंकर जी बिसेन और अध्यक्ष नगर पालिका श्री अनिल धुआरे, ये बधाई के इसलिए पात्र हैं कि इनके रेजिम में जो बड़ा कठिन काम था ग्राउंड को समर्पण करना खेल युवक कल्याण विभाग को, वो आप लोगों ने एक मतें पार्षदों के एक मतें होकर उन्होंने इसको समर्पित किया, तो सभी पार्षदगण भी इसके बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद जब सरकार बदली तो फाइलें सब अटक गई। उसके बाद हमारे सुश्री हिना कांवरे और श्री प्रदीप जायसवाल जी, इनसे समय समय पर हम लोगों ने हमेशा चर्चा की कि अब आपको कुछ नहीं करना है, हमें इसको मूर्त रूप देने के लिए पैसों की आवश्यकता है, वो सेंक्शन दिलवाई। तो उन्होंने इसके प्रति गंभीर प्रयास किए और उन्हीं लोगों के पत्रों से जो हमें स्वीकृति मिली है, फंड रिलीज हुआ है, वो उन्हीं के प्रयास से हुआ है। अब टर्फ के सर्वे भी हो चुका है, ग्राउंड की मिट्टी भी खोदी जा सकती है, एक साइड से 7 फुट की।